If you are new here, please hit the subscribe and press the bell. My new upload will inform you well. Hello friends, मैं जय आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इन्फोटॉक द ओशन ऑफ नॉलेज में. दोस्तों 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको जीएसटी के बारे में पता ही नहीं है. वो लोग अभी भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली जीएसटी है क्या, ये क्यों लागू किया जा रहा है और इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है. और अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है. तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी क्या है और जीएसटी का इम्पोर्टेंस क्या है, जीएसटी क्यों लागू किया जा रहा है, जीएसटी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बहुत ही एक आसान तरीके से, वो भी एग्जाम्पल के साथ. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो हर किसी का पहला सवाल, आखिर जीएसटी है क्या? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये भी एक तरीके का टैक्स है. जैसे हम लोग पहले टैक्स देते थे, जीएसटी भी वैसे ही एक टैक्स सिस्टम है. इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पहले भारत का मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. तो भारत का मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अभी किसी भी सामान, चाहे वो कोई भी सामान हो, उसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार अपना अलग अलग सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स और भैट जैसे और भी कई तरह के बहुत सारे टैक्स लगाते हैं, जिससे वो सामान आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब सामानों के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे जितने भी सारे टैक्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बदले आपको सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ेगा और इसी को जीएसटी कहा जाता है. मतलब अब आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा सामानों के ऊपर, सिर्फ उसके बदले आपको एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा जो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो आई होप जीएसटी क्या है अब आपको पता चल गया होगा. अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा. तो अभी हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जीएसटी से होगा क्या, जीएसटी क्यों लागू किया जा रहा है या फिर जीएसटी का इम्पोर्टेंस क्या है. तो इसका जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हम लोग किसी भी सामान के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लगभग 20 अलग अलग टैक्स पे करते हैं, वो भी 30% से लेके 35% के हिसाब से. यहाँ तक कि कभी कभी ये आंकड़ा 50% तक भी छू जाता है, जिससे क्या होता है किसी भी सामान हम तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन अब जीएसटी आ जाने से क्या हुआ, जितने भी सारे 20 अलग अलग टैक्स थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बदले हम लोगों को सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ेगा और वो भी मिनिमम 5% से लेके मैक्सिमम 28% के हिसाब से. जिससे क्या होगा, सामान के दाम घट जाएंगे और टैक्स का जो बोझ है आम जनता के ऊपर वो भी कम हो जाएगा. जीएसटी की इम्पोर्टेंस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको जीएसटी लागू होने से पहले की भारत की टैक्स स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. जीएसटी से पहले भारत की टैक्स स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जहाँ पे आप डायरेक्ट अपना टैक्स सरकार को पे करते हैं, यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं रहता है, आप खुद ही अर्न करते हैं और आप खुद ही लायबल रहते हैं अपना इनकम टैक्स सरकार को पे करने के लिए. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली किसी मिडिल मैन या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू आपसे टैक्स वसूला जाता है. जैसे मान लीजिए एक दुकानदार को उसके सेल के ऊपर सरकार को भैट देना पड़ता है, तो दुकानदार क्या करता है, इस भैट की कमी पूरी करने के लिए इस भैट की बोझ को कस्टमर के ऊपर थोप देता है. तो जब कस्टमर जब इस कोई सामान खरीदने जाता है तो क्या होता है, कस्टमर को उस सामान की कीमत के साथ साथ भैट भी चुकाना पड़ता है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कस्टमर को. और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जीएसटी. तो जीएसटी इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे है, इसके लिए मैं एक नंबर की एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो पहले बात करता हूँ जीएसटी लागू होने से पहले की. तो मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर 100 रुपये में रॉ मटेरियल खरीद के एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर किया, जहाँ पे उसने 10% टैक्स भी चुकाया. तो 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपया, तो टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट आता है 100 रुपया प्लस टैक्स 10 रुपया यानी 110 रुपया. अब होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से 110 रुपये में उस टी शर्ट को खरीद लिया. अब क्योंकि होलसेलर को प्रॉफिट करना है तो मान लीजिए होलसेलर 40 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अब टी शर्ट की कीमत हुआ 150 रुपया. अब क्योंकि होलसेलर को 10% टैक्स देना है
तो यानी 150 रुपए का 10% हुआ 15 रुपया, यानी 15 रुपया और 150 रुपया 165 रुपया, यानी टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट आया 165 रुपया। अब रिटेलर ने क्या किया, होलसेलर से उस टी शर्ट को 165 रुपये में खरीद लिया। अब क्योंकि रिटेलर को भी प्रॉफिट करना है, तो मान लीजिए रिटेलर ने 35 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अब टी शर्ट की कॉस्ट आया 200 रुपया। अब क्योंकि रिटेलर को भी 10% टैक्स देना है, तो 200 रुपया का 10% हुआ 20 रुपया, यानी 20 रुपया और 200 रुपया, तो टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट आया 220 रुपया। मतलब अब अगर कंज्यूमर उस टी शर्ट को रिटेलर से खरीदता है तो उसे 220 रुपया देनी पड़ रही है, जबकि उस टी शर्ट की कीमत होनी चाहिए थी 150 रुपया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की 110 रुपया और होलसेलर की 40 रुपया प्रॉफिट और रिटेलर की 35 रुपया प्रॉफिट, यानी कुल मिला के टी शर्ट की प्राइस होनी चाहिए थी 150 रुपया, जबकि आप पे कर रहे हैं 220 रुपया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर स्टेज पे टैक्स लगता गया और हर स्टेज पे टैक्स लगने के वजह से प्राइस इंक्रीज होता गया, इसलिए टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गया। अब इसी एग्जांपल को जीएसटी के हिसाब से देखते हैं। तो मान लीजिए पहले की तरह ही मैन्युफैक्चरर 100 रुपये में रॉ मटेरियल खरीदा और उसके ऊपर 10% टैक्स दिया, और 100 रुपये का 10% टैक्स होता है 10 रुपया, यानी टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट आया 100 रुपया प्लस 10 रुपया टैक्स, यानी 110 रुपया। अब होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने उस टी शर्ट को 110 रुपये में खरीद लिया। अब क्योंकि उसको प्रॉफिट करना है, तो मान लीजिए पहले की तरह ही उसने 40 रुपया अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अब टी शर्ट की कॉस्ट आया 110 रुपया प्लस प्रॉफिट 40 रुपये, यानी 150 रुपया। तो अब क्योंकि होलसेलर को 10 रुपया टैक्स देना है, तो 150 रुपया का 10% टैक्स होता है 15 रुपया, लेकिन यहाँ पे होलसेलर 15 रुपया पे नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि वो ऑलरेडी 10 रुपया टैक्स दे दिया है, क्योंकि जब उसने 110 रुपये में मैन्युफैक्चरर से टी शर्ट को खरीदा था तब उसी में 10 रुपया टैक्स लग कर आया था, यानी वो क्लेम कर रहा है कि वो ऑलरेडी 10 रुपया दे दिया है, तो इसलिए अभी वो अपना जो 15 रुपया टैक्स है उसमें से जो टैक्स दे दिया है 10 रुपया वो माइनस कर दिया, तो अब उसको टैक्स देना है सिर्फ 5 रुपया। तो यानी अब टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट आया 150 रुपया प्लस 5 रुपया टैक्स, यानी 155 रुपया। अब रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने उस टी शर्ट को 155 रुपये में खरीद लिया। अब क्योंकि रिटेलर को भी प्रॉफिट करना है, तो मान लीजिए पहले की तरह वो 35 रुपया प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अब टी शर्ट की कीमत आया 155 रुपया प्लस प्रॉफिट 35 रुपया, यानी 190 रुपया। तो अब रिटेलर को भी टैक्स देना है 10%, तो 190 रुपया का 10% हुआ 19 रुपया, लेकिन यहाँ पे रिटेलर 19 रुपया नहीं देगा, क्योंकि रिटेलर ने जब होलसेलर से 155 रुपये में टी शर्ट को खरीदा था तो उसी टाइम उसने 15 रुपया ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की 10 रुपया और होलसेलर की 5 रुपया वो ऑलरेडी पे कर चुका था, इसलिए वो इस टाइम अपना जो टैक्स है 19 रुपया उसमें से 15 रुपया माइनस कर दिया, यानी बचा 4 रुपया, यानी अब उसे सिर्फ 4 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी अब टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट आया 190 रुपया प्लस 4 रुपया, यानी 194 रुपया। मतलब अब अगर आप उस टी शर्ट को खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 194 रुपया देना पड़ेगा, जबकि उस टी शर्ट की पहले कॉस्ट थी 220 रुपया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हर स्टेज पे होलसेलर और रिटेलर अपना टैक्स क्लेम कर पाए, जो टैक्स वो ऑलरेडी दे चुके हैं उसको क्लेम करके माइनस कर दिया, इसलिए टैक्स का जो बोझ था वो धीरे धीरे घटता गया, और धीरे धीरे घटने की वजह से जो टी शर्ट की फाइनल कॉस्ट है वो भी घट गया, इसलिए 220 रुपया की टी शर्ट अब 194 रुपया हो गया। और यही है जीएसटी लागू होने का सबसे बड़ा कारण। जीएसटी लागू होने से आम आदमी के ऊपर जितने भी सारे टैक्स के बोझ है वो सारे खत्म हो जाएंगे और सामान के प्राइस भी घट जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटी से आम आदमी को एक्चुअली में क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान। तो जीएसटी से देश में एक टैक्स की व्यवस्था चालू हो जाएगी और इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए 20 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाएंगे, जिससे सामान की कीमत भी घट जाएगी। जीएसटी आने से पहले हम लोग अलग अलग सामानों के ऊपर करीब 30 से लेकर 35% तक की टैक्स देते थे और ये आंकड़ा कभी कभी 50% तक भी छू जाती थी, लेकिन जीएसटी के बाद अब आपको सिर्फ 5% से लेकर मैक्सिमम 28% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आम आदमी के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो सारे खत्म हो जाएंगे और आप करीब 22% टैक्स बचा सकते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद अब
लग्जरी टैक्स, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स और थिएटर में मूवी टिकट के ऊपर टैक्स, ये सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि मोबाइल की प्राइस भी घट जाएगी, क्योंकि पहले मोबाइल फोन के ऊपर आपको करीब 15% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 12% टैक्स ही देना पड़ेगा, इसलिए मोबाइल फोन की कीमत भी घट जाएगी। जीएसटी से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। एक नेशन एक टैक्स के हिसाब से अब चाहे कोई भी सामान आप किसी भी स्टेट से खरीदे तो आपको एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फोन खरीदते हैं वेस्ट बंगाल से तो उसकी कीमत 5,000 है, और वही फोन अगर आप बेंगलोर से खरीदते हैं तो उसकी कीमत 4,000 है। लेकिन जीएसटी लागू होने से आप कोई भी फोन किसी भी स्टेट से खरीदे आपको एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब वेस्ट बंगाल में अगर उस फोन की कीमत 5,000 है तो चाहे कोई भी स्टेट से आप खरीदे उसकी कीमत 5,000 ही रहेगा। जीएसटी के तहत अब हर टैक्स की लेन देन ऑनलाइन होगी, जिससे अब कोई भी कारोबार कम बिक्री दिखाकर टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे, जिससे आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लागू होने से भारत की जीडीपी 1-2% तक की बढ़ जाएगी। तो देखा जा रहा है जीएसटी लागू होने से आम आदमी के साथ साथ देश का भी फायदा ही हो रहा है। लेकिन जीएसटी के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे पैकेज फूड, ज्वेलरी आइटम, ये सारे महंगे हो जाएंगे, और जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान होगा राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार अब अपने हिसाब से किसी भी सामान के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। और बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस भी महंगी हो जाएंगी, जैसे बैंक पहले 15% टैक्स लेता था लेकिन अब वो 18% टैक्स लेगा। लेकिन यहाँ पे ये सब थोड़ा कम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी जरूर ग्रो करेगी। तो आई होप अब आपको जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लागू किया गया है, जीएसटी की इम्पोर्टेंस क्या है, जीएसटी से आम आदमी को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। एक्चुअली मैं इसी वीडियो में जीएसटी के रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप भी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए मैं इसका सीरीज वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि जीएसटी के रिलेटेड हर टॉपिक अच्छे से कवर हो और आप भी अच्छी तरीके से समझ पाए। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।